एबीवीपी के नागपुर में आरंभ हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में वर्चुअली तौर पर देश भर के लाखों एबीवीपी कार्यकर्ता जुड़े। देश भर में विभिन्न स्थानों पर इसके लिए स्थान चिन्हित किए गए थे। राष्ट्रीय अधिवेशन के चलते धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं एबीवीपी के कांगड़ा विभाग संयोजक डॉक्टर प्रदीप कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। एबीवीपी के कांगड़ा विभाग संयोजक डॉक्टर प्रदीप कुमार ने कहा कि एबीवीपी का 66वां राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में हो रहा है। 1948 से लगातार एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन होते रहे हैं। अधिवेशन के दौरान एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री व राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चयन होता है। वहीं वर्ष की गतिविधियों पर चर्चा कर रिपोर्ट लोगों के सामने रखी जाती है। राष्ट्रीय अधिवेशन में 50 से अधिक स्थानों से लगभग 1 लाख एबीवीपी कार्यकर्ता जुड़े हैं। पहले जो राष्ट्रीय अधिवेशन होते थे वहां चयनित कार्यकर्ता ही जा पाते थे, लेकिन इस बार वर्चुअली माध्यम से हर कार्यकर्ता इस अधिवेशन से जुड़ पाया है। राष्ट्रीय अधिवेशन में सामान्यतः 5 से 10 हजार की उपस्थिति रहती है, लेकिन वर्चुअली माध्यम से लाखों कार्यकर्ताओं को इस अधिवेशन में शामिल होने का अवसर मिला है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है वो नागपुर में हो रहा है। ये विद्यार्थी परिषद का 66वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। ऐसे राष्ट्रीय अधिवेशन विद्यार्थी परिषद के 1948 से लगातार राष्ट्रीय स्तर पर होते रहे हैं। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में विद्यार्थी परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी हैं, इसका चयन होता है। इसके साथ साथ विद्यार्थी परिषद की जो साल भर की गतिविधियाँ रहती हैं उनके बारे में भी चर्चा होती है और उनकी एक रिपोर्ट जो है वो लोगों के सामने रखी जाती है। आज हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थी परिषद का जो ये राष्ट्रीय अधिवेशन है वर्चुअल माध्यम से इसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लगभग ऐसे 50 स्थानों से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता तकरीबन 1 लाख के करीब कार्यकर्ता जो हैं आज इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से राष्ट्रीय अधिवेशन के साथ नागपुर के साथ सीधा इसके साथ जुड़े हैं। तो ये बड़े हर्ष का विषय है विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि जो राष्ट्रीय अधिवेशन वैसे होते थे सामान्यतः वहाँ सिलेक्टेड कार्यकर्ता ही जा पाते थे, उनको ये राष्ट्रीय अधिवेशन को देखने का जानने का अवसर नहीं मिलता था, लेकिन वर्चुअल माध्यम से विद्यार्थी परिषद के लाखों कार्यकर्ताओं को आज राष्ट्रीय अधिवेशन को देखने का और राष्ट्रीय अधिवेशन को जानने का अच्छा मौका जो है वो इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल रहा है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि 2020 में कोरोना के कारण विकट परिस्थितियां पैदा हुई हैं और कोरोना के कारण जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते हुए ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन है नागपुर में जो हो रहा है उसमें संख्या कम है, लेकिन वर्चुअल माध्यम से लोग जो हैं कार्यकर्ता जो हैं इस राष्ट्रीय अधिवेशन से जुड़े हैं और लाखों कार्यकर्ता। पहले तो जो हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन होते हैं उसमें सामान्यतः 5,000-10,000 ऐसी संख्या रहती है, लेकिन इस बार ये पहला ऐसा प्रयोग है जिसके माध्यम से करोड़ों जो लोग हैं, जो करोड़ों कार्यकर्ता हैं, लाखों कार्यकर्ता हैं विद्यार्थी परिषद के, उस राष्ट्रीय अधिवेशन से सीधा जुड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि मेरे लिए हर्ष का विषय है कि कोरोना काल में भी एबीवीपी ने वर्चुअली माध्यम से अपनी गतिविधियों को जारी रखा है। स्वतंत्रता संग्राम सभी भारतीयों ने मिलकर लड़ा था, उस समय भारतीयों ने हार नहीं मानी थी। मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि कोरोना काल में भी विद्यार्थी परिषद ने अपनी जो गतिविधियां उसकी निरंतर चलती थी प्रत्यक्ष रूप में वो वर्चुअल माध्यम से या अनेक माध्यमों से प्रारंभ कर रखी है। विद्यार्थी परिषद का एकमात्र लक्ष्य यही है कि भारतवर्ष में एक ऐसा विमर्श खड़ा किया जाए जो कि मौलिक अधिष्ठान, जो भारत का मौलिक अधिष्ठान है उसके ऊपर हो। आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता का संग्राम हम सभी भारतीयों ने मिलकर लड़ा था और वो स्वतंत्रता का संग्राम अगर आप देखें जो वर्तमान में पाकिस्तान या बांग्लादेश ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे देश हैं, उनके लोगों ने भी मिलकर अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए उस स्वतंत्रता संग्राम को लड़ा था। हमने स्वतंत्रता संघर्ष के वक्त बिल्कुल भी हार नहीं मानी, लेकिन कई प्रकार के विमर्श खड़े होने लगे जब हम स्वतंत्रता संग्राम को लड़ रहे थे।